मैं हूँ पूनम, आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते खबरों की तरफ। मोदीनगर थाना भोजपुर क्षेत्र में स्थित ज्ञान स्थली कॉलेज के मालिक ने स्टूडेंट को फोन पर कहे जाति सूचक शब्द, ऑडियो वायरल। कॉलेज के मालिक हरिओम शर्मा ने दलित को कॉलेज में प्रवेश न करने के लिए कॉलेज पर बोर्ड चस्पा करने की बात कही और साथ ही पूरे दलित समाज को बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं। मामला इतना हाईलाइट हुआ कि दलित समाज के लोग भोजपुर थाने पहुंच गए और हरिओम शर्मा पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी व कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरी करो, हरिओम शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हरिओम शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, ज्ञान स्थली की सदस्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ज्ञान स्थली की मान्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोहित भाई, यहाँ जो आए हैं आप भोजपुर थाने में, क्यों आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है, समस्त दलित समाज को अपमानित किया गया है और अपमानित किया गया उसकी जो ऑडियो वायरल हुई है, ये मोदी नगर में, जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर के भोजपुर में ज्ञान स्थली कॉलेज है, जिनके चेयरमैन और मालिक हैं हरिओम शर्मा। उन्होंने बलिया के एक स्टूडेंट को जाति सूचक शब्द और अन्य भद्दे भद्दे शब्दों से अपमानित किया, जिससे समस्त SC समाज नाराज है। उन्होंने कहा है कि जैसे कुत्तों को आना मना होता है कॉलेज में या किसी घर में, ऐसे ही मैं चमारों के लिए बोर्ड लगा दूंगा इस कॉलेज के बाहर, तुम तो साले नालायक हो और तुम तो ये है वो, बहुत अन्य तरीके से गाली दी, जिनकी ऑडियो पूरे समस्त जिले नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हो रही है। उसके लिए हम यहाँ थाने भोजपुर में आए हैं ज्ञापन देने। और उसकी क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है, उस पर सबसे पहले तो SC ST में मुकदमा दर्ज हो और अन्य संगीन धाराओं में भी। और दूसरी मांग हमारी ये है, ऐसे हरामी नालायक के स्कूल की कॉलेज की मान्यता रद्द हो। जिसको ये मान्यता दी गई है उसको यही नहीं पता कि ज्ञान क्या होता है, शिक्षा क्या होती है। जो व्यक्ति अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बैठ करके किसी जाति, किसी विशेष धर्म को टारगेट बना करके बदतमीजी कर रहा है, इससे समस्त सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों करोड़ों लोगों के मानसिक को ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको दिलों को ठेस पहुंचाने का काम किया इस नालायक ने। हमारी मांगे पूरी करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गौतम है, मैं यहाँ जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर। आज भोजपुर थाने पे जो आए हैं आप, क्यों आए हैं, क्या मामला? भोजपुर थाने पे इसलिए आए हैं कि एक ऑडियो वायरल हुई है, जो ज्ञान स्थली के चेयरमैन हैं, ज्ञान स्थली के मालिक हैं हरिओम शर्मा, उस ऑडियो में उनकी आवाज़ है, वो दलित समाज को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, दलित समाज को चमार कह के उनका अपमान कर रहे हैं और टिप्पणी करके उन्हें अपमानित कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं उनके खिलाफ FIR कराने के लिए, SC ST एक्ट में हरिओम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। अगर आपकी मांगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम कल सुबह पूरी तहसील को, पूरे क्षेत्र के आसपास के, पूरे जिले के आसपास के दलित समाज के लोग और हमारा सहयोगन समाज के लोग भी करेंगे, सारे लोग तहसील घेरने का काम करेंगे और इस कॉलेज की, जो ज्ञान स्थली कॉलेज है हरिओम शर्मा का, इसकी मान्यता खत्म करने की मांग हमारी है। इतने इसकी सदस्यता, इतने इसकी मान्यता रद्द नहीं होगी, इतने हम लोग आंदोलन करेंगे। और सरकार से हमारी मांग है, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से हमारी मांग है कि जिसका नाम ज्ञान स्थली रखा गया उसका चेयरमैन इस तरह से अगर जो है दलित समाज पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो ये बिल्कुल जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इतने इसकी ज्ञान स्थली की मान्यता रद्द नहीं होगी, इतने हम आंदोलन करते रहेंगे और उसकी गिरफ्तारी की मांग, इतने गिरफ्तार नहीं होगा, इतने थाने पर बैठेंगे हम। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? विनोद गौतम। आज यहाँ भोजपुर थाने में आए, क्यों आए हो? ये ज्ञान स्थली एक यहाँ BR कॉलेज है और उसमें जो उनके जो मालिक हैं हरिओम शर्मा, उन्होंने एक छात्र को फीस को लेकर के जो है बड़े जाति सूचक शब्द की बात कही है और जान से मारने की धमकी, पूरे समाज को अपमानित किया है और बहुत अभद्रता की है, गाली गलौज जान से मारने की, सूरज नहीं देखेगा, जैसे अंग्रेज लिखते थे बाहर कि जैसे कुत्ता अंदर नहीं आ सकता, उसका अंग्रेज लगाए थे, ऐसे लिखा उस छात्र के लिए कि तू स्कूल में आएगा नहीं और कोई भी चमार जो स्कूल में नहीं आएगा, ना पास होने दूंगा और ना कुछ करने दूंगा, तो बहुत ज़्यादा उसने अभद्रता कही है और ऐसा करा कि इस देश में एक दंगा फैलाने की उसने साजिश जो उन्होंने की है, देशद्रोही का काम करा उसने। क्या मांगे आपकी? अब मांगे उसकी गिरफ्तारी हो,
तहरीर दे दी है समाज के तमाम लोगों ने, मुकदमा दर्ज हो रहा है और हमारी ये मांग है कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और उसकी स्कूल की जो कॉलेज की जो मान्यता रद्द होनी चाहिए और उसकी जो जाँच होनी चाहिए कि उसने अब तक जो है ना उसी कॉलेज के आड़ में जो पैसे कमाए हैं, जो दो नंबर का धंधा कर रखा, जिसकी वजह से गुंडागर्दी कर रहा है, उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को श्री अनिल गौतम जिला पंचायत सदस्य व अन्य द्वारा थाना भोजपुर पर यह लिखित सूचना दी गई कि थाना भोजपुर स्थित ज्ञानस्थली विद्यालय जिसका हरिओम शर्मा प्रबंधक है, उसके द्वारा अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ फोन पर गाली गलौज की गई, भद्र भाषा का प्रयोग किया गया तथा उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।